उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली रेलवे स्टेशन क्षेत्र से लगे शहडोल रेल मार्ग में स्थित मुंदरिया रेलवे स्टेशन के करीब बना रेलवे अंडरब्रिज क्षतिग्रस्त हो रहा है। इस अंडरब्रिज के ऊपरी हिस्से से छत का टुकड़ा टूट कर गिर रहा है, वहीं ब्रिज की छड़ें भी बाहर नजर आने लगी हैं, जिससे ग्रामीण आवागमन के दौरान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में बताया कि इस अंडरब्रिज से प्रतिदिन हजारों ग्रामीण आवागमन करते हैं, जो बाइक और छोटी गाड़ियों के माध्यम से आते जाते हैं। बताया गया है कि पाली मुख्यालय को जोड़ने के लिए यही एक रास्ता है, जहां से पाली ब्लॉक के दर्जन भर गांव के रहवासी नियमित रूप से आवागमन करते हैं, लेकिन अंडरब्रिज की छत क्षतिग्रस्त होने से डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि बीते वर्ष बने रेल अंडरब्रिज के कारण अब तक यात्री बस और ट्रक आवागमन नहीं कर पाते, मात्र टैक्सियों के सहारे ही ग्रामीणों का आवागमन होता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि एक तरफ अंडरब्रिज की ऊंचाई कम है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क न होने से बरसात के समय बेहद परेशानी होती है। समस्या ये है सर, ये जो ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है रेलवे की तरफ से, ये 2-2.5 साल पुराना पहले किया गया था इसका कार। अभी इसमें ये क्या किया है कि इसका पूरा प्लास्टर उखड़ उखड़ के नीचे गिरता है। अभी एक दिन बीच में मेरी गाड़ी में भी गिर गया था, पूरी राड दिख रही है, पूरा क्रेक मारा है, और इधर से आवागमन बहुत सारा है। और यहाँ पे आपका जो गुड ट्रेन चलती हैं, सवारियाँ ट्रेन चलती हैं, जब वो चलती हैं तो उसमें से प्लास्टर झड़ता है नीचे जब चलती हैं दमक से। और इधर इधर बहुत सारे गांव लगे हैं। अगर मैं नहीं चाहता कि कोई बड़ा हादसा हो, रेलवे के अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि आके उसकी जांच करें, उसको बनवाने के लिए देखें आके। इस संबंध में जब यहाँ के रेल अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी न बोलने की बात कहते हुए मौखिक रूप से सिर्फ ये कहा कि ये जनरल बात है और इतना चलता रहता है। सवाल ये है कि अगर इस चलते रहते में कोई अनहोनी हो गई या बड़ी दुर्घटना घट गई तो फिर इसका जवाब कौन देगा? इसमें आए दिन हमेशा जैसे गाड़ी चलती है तो धमक से इसका प्लास्टर गिरता है, और हमारे जैसे बड़ी गाड़ी आती हैं बस और साथ ही अगर बारात आज ले जाने के लिए तो यहाँ से नहीं जा सकते हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं जाते? ये ब्रिज के एक तरफ से छोटा नीचा पड़ रहा है, एक तरफ ऊंच पड़ रहा है, और ये रास्ते से हमारे कई गांव लगे हुए हैं जो कि शुरुआत से लगा हुआ मलाहदूस पंचायत से लगा हुआ चेहरा हमारा कुरावर है, करकटी है, बेली बन बेली है, सांस चिन की कठाई गढ़वाला चौरी यहाँ पूरा लगा है। यही रोड से हमारा निस्तार होता है, कम से कम यहाँ से और शाहडोल रोड मिलता है, आने जाने में भारी परेशानी थी जब से ये ब्रिज बन गया है।